नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक में मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। अभी तक कांग्रेस ने 136 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और वो कभी कभी आगे पीछे होती रही है। कभी उसने 140 सीटों का आंकड़ा भी छुआ तो कभी 135 का भी। हालांकि काफी देर से वो 137 से 138 सीटों पर बनी हुई है। वहीं भाजपा अभी तक 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा जेडीएस की 20 सीटें और अन्य की 4 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। हालांकि सीटों पर अभी कुछ देर में कुछ बदलाव और हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कहा कि सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को और वहां के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। राहुल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल रही जीत पर उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनकी पार्टी ने गलत शब्दों से ये चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत थी और दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। शक्ति ने ताकत को हरा दिया, यही हर राज्य में होगा। राहुल ने कहा कि कर्नाटक ने हमको दिखाया है कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। राहुल ने कहा कि हमने किए 5 वायदे हम पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। ये आपके मुद्दों की जीत है, ये कर्नाटक की प्रगति के विचार को प्राथमिकता देने की जीत है, ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं व नेताओं को मेरी शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत रंग लाई। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटक की जनता को दी गई गारंटियों को लागू करने का काम करेगी। कांग्रेस की जीत और बीजेपी के हार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव का परिणाम अंतिम रूप ले रहा है, वैसे वैसे स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस जीत गई है और प्रधानमंत्री हार गए हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को पीएम और राज्य को उनका आशीर्वाद मिलने को लेकर जनमत संग्रह बना लिया था। इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आजीविका और खाद्य सुरक्षा, महंगाई, किसान संघट, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभाजनकारी रणनीति अपनाई और ध्रुवीकरण का प्रयास किया। कर्नाटक में बेंगलुरु में एक इंजन के लिए वोट किया है जो आर्थिक विकास को सामाजिक सद्भाव के साथ जोड़ेगा। भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि जीत और हार बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। इस रिजल्ट से पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस जनादेश को स्वीकार करता हूं और इस परिणाम पर हम चिंतन करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि हम पार्टी के झटके के बारे में आत्मनिरीक्षण करेंगे। मैं इस फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार लगभग तय होने के बाद सीएम बसवराज बोम्बई ने कहा कि पार्टी नतीजे के आने के बाद विस्तृत विश्लेषण करेगी। बसवराज बोम्बई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरी कोशिश करने के बावजूद हम बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। सभी परिणाम आने के बाद हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में हम विभिन्न स्तरों पर अपनी कमियों को देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे और इसे पुनर्गठित कर लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नतीजों को देखकर पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा है ये जनादेश नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि पीएम मोदी 20 बार कर्नाटक आए, आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से चुनाव प्रचार नहीं किया। पूर्व सीएम ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की नींव बताया। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि सभी गैर भाजपा पार्टियां साथ आएंगी और बीजेपी को हराएंगी। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का जीत का कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस बीच डी के शिवकुमार जीत के बाद सड़क पर निकले हैं। वहीं इससे पहले डी के शिवकुमार बोलते बोलते भावुक हो गए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। डी के शिवकुमार ने कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकता जब इन बीजेपी वालों ने मुझे जेल में डाला और सोनिया गांधी मुझसे मिलने जेल आई थी। मैंने कोई पद लेने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। डी के शिवकुमार ने आखिर में सिद्धरमैया और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कहा कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है।
कर्नाटक में बीजेपी की हार पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करने का साहस नहीं करेगी। बता दें, कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर विपक्षी दल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।